हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ राज एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। और आज मेरे साथ है मेरे दो सीनियर्स। सबसे पहले तो ऋतिक भैया, जिन्होंने इंटर्नशिप किया फाइनेंस में विलियम ओनिल इंडिया कंपनी से, तो वो हम लोग को फाइनेंस के बारे में बताएंगे। और फिर उनके साथ है रौनक भैया, जिनका प्लेसमेंट हुआ है गेल इंडिया में, तो ही विल बी गिविंग नॉलेज अबाउट कोर सेक्टर। सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट फाइनेंस सेक्टर। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, फाइनेंस होता क्या है, मतलब उसमें क्या होता है एग्जैक्टली? अगर मैं लेमन टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ देन फाइनेंस इज मेनली कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ मनी। सो इन बेसिकली फाइनेंस यू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ अ कंपनी, यू लुक एट द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एंड अंडरस्टैंड हाउ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी इज। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। दीज आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच कंपनी रिलीज एट क्वार्टरली और एनुअली टू show how was the sales and profit of the company in particular that period. So you learn to grasp all those things. You learn some basic terminologies, how to interpret the things from the balance sheet. You learn to analyze and predict the movement of stock market. I think people who will be familiar with the stock market right now, because it is booming too much. So it is in the, yeah. So you learn to analyze the movement of stock market and what are the risks associated with it. And you also get the general education of banking, economics, and how it can be applied in the industry and market. So that is overall finance. So, मतलब कैसे एक बच्चे को डिसाइड करना चाहिए जो फर्स्ट ईयर में है कि उसको आगे जाके फाइनेंस में अपना फ्यूचर बनाना है, मतलब कैसे पता चलेगा कि हाँ वो इंटरेस्टेड है? सी मतलब मैं अगर एक्सप्लेन करने जाऊँ तो बहुत सारी चीजें हैं कि वो क्या क्या चीज एक्सप्लोर कर सकता है, बट मैं अपनी स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। इन फर्स्ट ईयर आई हैड नथिंग अबाउट फाइनेंस, मुझे कुछ नहीं पता था। In second year, I took the course Fundamental of Finance and Accounting. That was my first thing that I did in finance. तो उसमें मेरा grade तो अच्छा नहीं था, frankly. But उसमें जो learnings थी, that were quite good. And उससे मुझे लगा कि that yes, I should pursue finance. And मैं IT को already try कर चुका था. I didn't like IT. So finance was one thing which I tried and got interest in that. So I started to think that yes, I can pursue that in my next years. And if I talk generally like who should go towards finance, then you should be first thinking whether you are interested in math and statistics. Basically, you should be good in number crunching, because finance will involve a lot of number crunching. There will be data of companies, sales, growth, everything. So you have to understand that thing. And then you have to think like whether you are interested in businesses, personal finance, investing. And yeah, that is the overall crunch. And if you want to explore something like whether you are interested in finance or not in first year, you can start with reading some business newspapers like Business Standard. That will give you a fair idea like whether you are interested in those things or not. Okay, so इसका मतलब if you want to know कि you are interested in finance or not, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई course वगैरह करना है, you just have to see कि आपको उसमें interest आ रहा है कि नहीं, newspapers वगैरह पढ़ के, and you should have first year में आप बिजनेस स्टैंडर्ड है कोई न्यूज़पेपर ले सकते हो, एंड इन्वेस्टोपीडिया इज अ गुड साइट टू स्टार्ट विद। वहाँ पे आपको जो फाइनेंस के बेसिक टर्म्स होते हैं वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन होते हैं। सो अगर कोई प्रॉब्लम न्यूज़पेपर पढ़ने में आ रही बिजनेस न्यूज़पेपर में, देन यू कैन रेफर टू दैट। दैट्स हाउ यू कैन चेक वेदर यू इंटरेस्टेड इन इट और नॉट। एंड सेकंड ईयर आप फंड ऑफ इन कोर्स जो है वो लेके देख सकते हो, यू विल गेट टू नो वेदर यू वांट टू परस्यू इट। ओके, कोर्सेज स्पेसिफिकली देखो, एक तो है कि तुम खुद से कर सकते हो जस्ट टू नो योर इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर जो कॉलेज में प्रोवाइड करता है, सो इन सेकेंड ईयर यू कैन टेक द कोर्स फंड ऑफ इन, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो उसमें तुम्हें कंपनी की बैलेंस शीट्स, व्हाट आर बॉन्ड्स और जो बेसिक्स होता है फाइनेंस के, वो टर्मिनोलॉजी सीखने को मिलेगी एंड तुम्हें पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट है कि नहीं। एंड देन यू कैन फर्दर टेक द कोर्सेज इन थर्ड ईयर, लाइक कोर्सेज DRM व्हिच इज डेरिवेटिव्स रिस्क एंड मैनेजमेंट। तो डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इसकी ट्रेडिंग होती है बेसिकली, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं इसके अराउंड। सो इसके बारे में सीखने को मिलेगा। देन देयर इज SAPM व्हिच इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इन दिस कंपनीज के स्टॉक्स हैं, कंपनीज की बैलेंस शीट है, उसको एनालाइज करके तुम पता लगा सकते हो कि ये कंपनी अच्छी हालत में है या नहीं, वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में बाय स्टडिंग द टेक्निकल पैटर्न। लाइक आज देखते हैं कंपनी का स्टॉक लेट्स से 10% राइज किया, सो तो उसकी पूरे टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करेंगे, दे विल प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन टुमारो। दैट आल्सो इज टॉट इन दिस कोर्स। एंड देयर आर टू फर्दर कोर्सेज, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे तुम बेसिकली जो थ्री कोर्सेज जो मैंने बताए, फंड ऑफ एन, SAPM, DRM,
इसमें जो भी नॉलेज गेन करते हो, जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में पढ़ते हो, उसको खुद से कैसे डिजाइन करके एक पर्टिकुलर सिचुएशन में फिट करना है, वो चीज सीखते हो. एंड या दैट्स इट, मोर और लेस ये कोर्सेज होते हैं. एंड देर आर अदर फ्यू कोर्सेज विच यू लाइक, देन यू कैन टेक ऑब्वियसली. इफ आई एज्यूम कि कोई फाइनेंस में इंटरेस्टेड है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से ही, और कॉलेज में जो कोर्सेज है वो तो जैसे अब ये थोड़ा बिट्स पिलानी स्पेसिफिक हो गया ना जो आप कोर्सेज बता रहे हैं, तो अगर अगर हम लोग जनरलाइज्ड बताएं कि नहीं उसको कौन से कोर्सेज लेने चाहिए इफ ही इज फ्रॉम एनी कॉलेज, तो आप कुछ अगर बताना चाहेंगे. उट ऑन कोर्सेरा बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, देन दे डाइव डीप इनटू इट नेक्स्ट फॉर द कोर्सेज देयर, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर इफ द कॉलेज डजंट प्रोवाइड यू विद दीस कोर्सेस. और जैसे अगर कोई हमारे कॉलेज का बच्चा है तो उसको अगर जो कोर्सेज के अलावा कुछ करना है तो आप क्या बोलना चाहेंगे अभी फिलहाल फर्स्ट सेकंड ईयर में? इन फर्स्ट और सेकेंड ईयर अपार्ट फ्रॉम कोर्सेज आई लाइक टू से मतलब फाइनेंस इज वन थिंग, बट आजकल जैसे हम देख रहे हैं डेटा साइंस का काफी बूम है, स्टैटिस्टिक्स काफी जगह लगती है. तो अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस उसको स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस में अगर वो कुछ चीजें पढ़ सकता है खुद से, देन इट इज गुड, बिकॉज वो काफी जगह एप्लीकेबल होती है फाइनेंस में, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑटोमाइज नाउ. सो उसमें तुम्हें बेसिक मशीन लर्निंग, बेसिक कोडिंग, ये सब चीजें रिक्वायर्ड होती है. देन थोड़ी थोड़ी मतलब बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये चीज अगर तुम पढ़ लोगे तो मे बी तुम्हें आगे फ्यूचर में हेल्प तो करेगी. ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर किसी को मतलब दोनों चीज एक्सप्लोर हो सकता है, आईटी और फाइनेंस दोनों एक साथ, ऐसा कुछ? हाँ हो सकता है मतलब, लेकिन तुम्हें एक चीज को थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली मैं प्लेसमेंट, बिकॉज इट्स अ प्लेसमेंट टॉक, आई विल से दैट अल्टीमेटली प्लेसमेंट यू हैव टू टारगेट सम कंपनी. तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल बी प्योरली आईटी रोल, मतलब उसमें फाइनेंस के नॉलेज भी रिक्वायर्ड नहीं होगी या फिर बिल्कुल नहीं रिक्वायर्ड होगी. और जो फाइनेंस की कंपनीज होंगी दे विल एक्सपेक्ट कि तुम्हें फाइनेंस आता हो, और अगर तुम्हें बेसिक कोडिंग या फिर बेसिक डेटा क्रंचिंग जो तुम किसी लैंग्वेज के थ्रू, लेट्स से पाइथन सी के थ्रू कर सकते हो, देन इट इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू. सो यू कैन थिंक ऑफ दैट. सो व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड? मतलब आगे जाके जैसे कोई इंजीनियर बनता है तो 4 साल बाद और इस फील्ड में, तो क्या जॉब्स होते हैं उसके लिए? देखो मैं स्पेसिफिक टू बिट्स पिलानी पहले बोलूंगा, बिकॉज इट्स एन इंजीनियरिंग डिग्री. सो बाकी कॉलेजेस में मोस्टली ये होता है कि जो इंजीनियरिंग डिग्री है लोग वही परस्यू करते हैं, बाकी चीजें इनको एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता, बिकॉज बिट्स गिव यू फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सो यू गेट टू एक्सप्लोर अलॉट ऑफ थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इन बिट्स स्पेसिफिकली अगर फाइनेंस में किसी को कैरियर या फिर जॉब का देखना है, देन पीएस इज अ ब्रिलियंट ऑप्शन, बिकॉज पीएस में बहुत सारी कंपनीज जो कि रिनोन्ड है, वर्ल्ड नोन्ड है, और मतलब मैं नेम ले लेता हूँ जैसे जेपीएमसी है, नोमूरा है, एंड देयर इज डॉशे बैंक ऑफ देयर इज डॉशे बैंक, देन देयर इज डीमाई फाइनेंस एंड विलियम ओनील इंडिया जिसमें मैंने इंटर्नशिप की थी, एंड देन मॉर्निंग स्टार, ये सब मतलब काफी अच्छी कंपनीज है जहां पर अगर तुम जनरली ऑफ कैंपस अप्लाई करोगे देन देर आर वेरी वेरी रेयर चांसेस कि तुम्हें वहां पे इंटर्नशिप भी मिले. और पीएसए एक अपॉर्चुनिटी तुम्हें प्रोवाइड करता है, तुम 6 महीने उनके साथ इंटर्नशिप भी कर सकते हो, देन यू गेट अ पीपीओ चांस. सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन हैव. एंड ऑनेस्टली प्लेसमेंट्स के टाइम पे फाइनेंस कंपनीज बहुत कम आती हैं, मतलब नियर टू जीरो. इस बार मुझे जहाँ तक याद है सिर्फ 2 आई हैं. सो इन प्लेसमेंट सीजन अपॉर्चुनिटीज कम है फाइनेंस के लिए, बट पीएस में बहुत ज्यादा है. सो इफ यू आर कीन टू परस्यू अ कैरियर इन फाइनेंस देन यू शुड लुक टू गेट अ गुड कंपनी इन पीएस. सो अदरवाइज ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो, बट चांसेस आर रियर दैट यू विल. बट ऑब्वियसली आई विल से वन थिंग दैट इफ यू आर डूइंग फाइनेंस दैट इन इट हेल्प्स यू अलॉट, बिकॉज फाइनेंस इज नॉट समथिंग विच इज ऑब्सोलीट, मतलब वो बहुत जगह अप्लाई होता है इन डेली लाइफ. तुम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो, बहुत सारे ऐसे जार्गन्स आते होंगे कि लेट्स से बीटा एल्फा, बहुत सारे जार्गन्स आते हैं इकोनॉमी में, जीडीपी के रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती हैं जो तुम्हें फाइनेंस के थ्रू पता होती है, एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल शायद ना पता हो. तो फाइनेंस मतलब एक पर्सनल लेवल पे भी तुमको मतलब काफी चीजें बताता है, और तुम खुद अपनी पर्सनल इन्वेस्टिंग करना चाहते हो देन जो तुम पढ़ोगे फाइनेंस में दैट विल हेल्प यू ऑल आउट. फ्रेंड्स, गीक्स फॉर गीक्स का आपने नाम ज़रूर सुना होगा इफ़ यू आर थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड इन टू कोडिंग, और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो, या फिर अगर आप स्कूल के स्टूडेंट है तो भी आपने ज़रूर सुना होगा गीक्स फॉर गीक्स का नाम. तो वो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर रहा है एंड यू कैन गेट अ 10% डिस्काउंट इन दोज कोर्सेज लाइक एंड्रॉयड डेवलपमेंट, सी प्लस प्लस, सी जावा,
और पाइथन किसी का भी कोर्स है, सब पे आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है इफ़ यू यूज़ माई कोड दैट इज़ रिशव RISHAV. यू जस्ट हैव टू गो टू practice.geeksforgeeks.org और वहाँ पे जाके आपको कोर्स में जाके जो भी कोर्स लेना है वो लीजिए और साथ में रिशव वाला कोड डाल दीजिए, देन यू विल बी गेटिंग अ 10% डिस्काउंट. दैट इज़ इट. तो ठीक है यार, आई होप यू विल बाई दैट कोर्स. आई होप दैट यू एन्जॉयड द वीडियो. दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग.